हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपका प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपका है, साइटिस बी मेडिकल नॉन मेडिकल रिसर्च असिस्टेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ से रिलेटेड, और जानेंगे इस लाइक के नोटिफिकेशन को डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस उस टाइप से देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, चाहे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे आपका साइंटिस्ट रिलेटेड वैकेंसीज हो, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि हेल्पफुल हो सकता है आपके जेआरएफ एग्जाम के लिए या नीट एग्जाम के लिए, आप किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो है आप प्रिपरेशन करें तो उन एग्जाम के लिए, तो आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अंडर द प्रोजेक्ट एंटाइटेड मेडिकल कॉलेज लेवल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी VRDL ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी पोजीशंस रहेंगे साइंटिस्ट मेडिकल नॉन मेडिकल रिसर्च असिस्टेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन डाटा एंट्री ऑपरेटर मल्टी टास्किंग स्टाफ, तो इनकी पोजीशन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी और आपकी जो पोजीशन रहेगी 1 ईयर रहेगी एट UCMS एंड GTB हॉस्पिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट लाइक सबमिट करने का लास्ट डेट है वो आपका 10 दिसंबर 2021 4 PM है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 o'clock है, इन्होंने मेंशन कर रखा है 4 PM, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है लास्ट डेट इन्होंने मेंशन कर रखे 10 दिसंबर। तो अगर इसके अलावा जो है अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे www.brdlucms@gmail.com पे जाके जो है आप यहाँ पे जो है आपकी कोई भी जो क्वेरी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं इस मेल आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, तो लास्ट डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 10 दिसंबर इवनिंग 4 PM है, और यहाँ पे टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज लेवल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लाइब्रेटरी VRDL फंडेड बाई ICMR। सो प्लेस ऑफ वर्क रहेगा वो डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी UCMS एंड GTB हॉस्पिटल दिल्ली। तो यहाँ पे नेम और पोस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट बी मेडिकल, साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल। वैकेंसी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। कंसोलिडेटेड सैलरी जो रहेगी वो 56,000 प्लस HRA आपका रहेगा, एज लिमिट 40 रहेगी, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई, साथ ही साथ जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की डाटा एंट्री ऑपरेटर मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भी यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे लाइक आपकी असिस्टेंट क्वालिफिकेशन, तो अगर आप साइंटिस्ट भी मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MBBS BDS BBSC या AS रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय MCI DCI VCI रिस्पेक्टिवली। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका MD होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे एडिशनल पोस्ट डॉक्टर रिसर्च ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपका यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का आपको आइडिया होना चाहिए, डाटा मैनेजमेंट का 2 ईयर अगर आपका R&D या टीचिंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट सब्जेक्ट में तब आपको यहाँ पे लाइक प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस टाइप से आपको प्रेफरेंस अगर मिलेगा अगर आपके पास जो है ये सारी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आपका रियल टाइम असेसमेंट है ऑफ एनी वायरल आउटब्रेक इन UCMS दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज में। इसके अलावा यहाँ पे और भी इन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं कि आपको वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। ऐसी नॉन मेडिकल जो साइंटिस्ट भी की पोजीशन, इसमें आपका PG डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर आपका सेकंड क्लास MSc या PhD डिग्री लाइक रेलेवेंट सब्जेक्ट में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो भी सेम है, तो आप इसके लिए भी जो यहाँ पे जो है आपके पास डिजायरेबल ये सारी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पर PG डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वर्किंग एक्सपीरियंस है बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च लैब में तब आपको यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या डाटा मैनेजमेंट तब भी आपको जो है यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपका BSc होना चाहिए या आपने जो MLT का अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वर्क रिसर्च लैब में एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भी इन्होंने वैकेंसीज को यहाँ पे निकाली है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और आपके जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन और अटैच कर लीजिए सिंगल PDF में और आपको सेंड करना बाय मेल www.brdlucms@gmail.com। लास्ट डेट वो 10 दिसंबर 2021 4 PM इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर ICMR रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। इसलिए अगर आपको जो सिलेक्ट किया जाता है तो आपको अपने ओरिजिनल 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लानी है, सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट
एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो केस एनओसी सर्टिफिकेट इफ़ यू आर लाइक डूइंग अ जॉब इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपको ये सारी चीज़ जो है आपको मेंशन करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपका होता है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी जो है आपको उसका स्कैन करके आपको मेल कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, आपको सिर्फ मेल सेंड करना है और बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।